मरते ना बचावे कोई, वो तो फिर स्वीकार करना ही होता है। अभी हम कैंसर का बताना चाह रहे थे कि कैंसर किस भाव से होता है, तो उसमें उन्होंने लिखा है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का अर्थ होता है अस्वीकृति, यानी कोई चीज आपको करनी पड़ रही है लेकिन आप दिल से स्वीकार नहीं कर रहे, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। वो कोई चीज, कोई भी चीज हो सकती है। मान लो अपने को जो शरीर मिला है उसका कोई ऐसा भाग हो सकता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसी भाग में कैंसर होगा। अगर बहुत तीव्र तरंग बन गई उस भावना की कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और कहो वो सबकॉन्शियसली चल रहा हो, आपको होश भी ना हो कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं चल रही है, आपको पता ना हो लेकिन अंदर अंदर चल रही है वो, तो फिर वहां पर कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। उस बुक में लिखा है रिजेंटमेंट, और वो रिजेंटमेंट भी कई कारणों से हो सकती है। मान लो किसी को बचपन से कोई चिढ़ा रहा हो कि तुम्हारे दांत बेकार है, बोले बार बार ऐसा बोलने से उसको लगता है कि कैसे दांत है मेरे, तो उसको दांतों में परेशानियां हो सकती है। उसको माउथ कैंसर भी हो सकता है, किसी की आंखों में कैंसर होता है। कलर्ड टीवी को पास से बैठकर देखने वाले 95% आई कैंसर के पेशेंट्स अमेरिकन सर्वे में आज सबको मान्य है कि वो पास से बैठ करके देखने पर ये स्थिति बनती है। तो रिजेंटमेंट को दूर करने के लिए आपको एक सरल उपाय हम बतला रहे हैं, फिर बाद में आप भक्तामर का उपचार भी ले लेना तो फिर उसमें और फैसिलिटेट होगा, सहयोग मिलेगा, वो ये है कैंसर हीलिंग मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में जाना हो तो शांत बैठ जाइए, अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की ओर खोल करके पैरों के घुटनों पर रख लिए, पालथी लगा करके। कुछ ही मिनट्स में आप अल्फा स्टेज में जाएंगे, फिर थीटा में जाएंगे, डेल्टा में कम लोग जाते हैं, ब्रेन वेव्स होते हैं। आपको अगर कोई बुरी आदत है उसको छोड़ना हो तो उसका भी हम उपाय बताएंगे आपको, क्योंकि बुरी आदतों को छोड़ना अच्छा काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपकी कुछ आदतें हैं जो अंदर ही अंदर आपको कचोट रही है। कोई भी अपराधी अंदर से हल्का महसूस नहीं करता, कोई भी अपराधी। जिस दिन एक खूनी खून करता है उस रात को वो सोता नहीं है। और हम एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब कसाई जानवर को मारता है, जब उस पर खंजर चलाता है, वो कसाई उस बकरे से आंख नहीं मिला सकता। बहुत अनोखा सच है, कोई कसाई उससे आंख मिला करके उसको मार नहीं सकता। तो अपन दोनों बातें यहां पर करते हैं। कैंसर मेडिटेशन के लिए आप ऐसे शांत बैठ करके, आपको जिस व्यक्ति से अपने जीवन में तकलीफ पहुंची है, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको जिस व्यक्ति से पहुंची है उसका आप स्मरण करेंगे। आप ऐसी कल्पना करेंगे कि बड़े भारी ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हैं, बहुत बड़े सभा भवन में आप बैठे हुए हैं, बहुत पीछे बैठे हुए हैं, और स्टेज पर वही व्यक्ति खड़ा हुआ है। पूरे भवन में अंधकार है, उस व्यक्ति पर उजाला है, आप उसका स्मरण करेंगे। और फिर आप अपनी मानसिक कल्पना द्वारा चमत्कारिक ढंग से उसको उसकी मनपसंद वस्तुएं प्राप्त होता हुआ देखेंगे। वो जो चाह रहा है वो सब उसको मिल रहा है। आपको विचलित नहीं होना है, केवल देखना है, क्योंकि आप कैंसर ठीक करना चाहते हैं।
और उसके पश्चात आप ये देखेंगे कि वो धीमे धीमे छोटे से आकार में आ गया है। उसका आकार एकदम बारीक हो गया है उस व्यक्ति का, और उसको जो कुछ मिलना था सब कुछ मिल चुका है, एकदम बारीक हो गया है, चींटी से भी छोटा, और उसके बाद वो गायब हो गया। इसके बाद जो उत्तरार्ध है इस ध्यान का वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी स्टेज पर आप अपने आप को प्रवेश करता हुआ देख रहे हैं, और उसी क्रम से जैसे उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई थी वैसे ही आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो गई है, और उसके बाद आप भी सूक्ष्म होकर के विलीन हो गए हैं। इसके बाद आपको ये मन में विचार लाना है कि सबको जाना है, मैं किसी का भार अपने ऊपर क्यों ला दूं, वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे साथ जो भी हुआ है मेरे कर्मों का फल था, मैं सबके प्रति क्षमा भाव धारण करता हूं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, मुझे किसी से कोई विकल्प संकल्प नहीं है, मैं अपने आनंद में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये ध्यान आप करेंगे कुछ ही दिनों में, आप वो असली में कुछ ही दिन बोलना भी एक रूढ़ी है, ये जरूरी नहीं है कि कुछ दिन लगे, कभी कभी कुछ घंटों में भी घटना घट जाती है, और कभी कभी कुछ पलों में भी घटना घट जाती है। और भक्तामर की अपार शक्ति का स्रोत हम आचार्य मानतुंग स्वामी को मानते हैं, क्योंकि साधक के शब्द सीमित होते हुए भी उन शब्दों की ऊर्जा असीम होती है। भक्तामर के किसी अनुवाद में मूल के बराबर शक्ति नहीं है, अनुवाद अनुवाद है, और मूल जिस विशुद्धि से मूल भक्तामर की रचना हुई है वो विशुद्धि अन्यत्र कैसे संभव है। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब व्यसन मुक्ति वाली जो बात है वो बड़ी सरल है।